स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। हमारा शरीर रोजाना न जाने कितने कीटाणुओं के हमले झेलता रहता है। ये हमले तभी नाकाम हो सकते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर हो। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलिए जानते हैं कैसे। आपको अपना अनाज चोकर के सहित लेना चाहिए। गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का जैसे अनाज का सेवन चोकर के साथ करना चाहिए। इससे कब्ज नहीं होती तथा प्रतिरोधक क्षमता चुस्त दुरुस्त रहती है। जल प्राकृतिक औषधि है। प्रचुर मात्रा में शुद्ध जल के सेवन से शरीर में जमा कई तरह के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पानी या तो सामान्य तापमान पर या थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तुलसी का धार्मिक महत्व अपनी जगह है, मगर इसके साथ ही ये एक एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी फायदेमंद है। रोज सुबह तुलसी के 3 से 5 पत्तों का सेवन करना चाहिए। योग और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी जानकार से इन्हें सीखकर प्रतिदिन घर पर इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। खुद को सेहतमंद रखने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से रक्त संचार सुचारू होता है और हमारा शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है। तनाव मुक्त होकर हंसने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। रसदार फलों का सेवन करें। संतरे और मौसमी आदि रसदार फलों में भरपूर मात्रा में खनिज लवण तथा विटामिन सी होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप चाहें तो पूरे फल खा सकते हैं या आप चाहें तो इनका रस निकाल कर भी पी सकते हैं। हाँ, रस में शक्कर या नमक बिल्कुल ना मिलाएं। सर्दी के मौसम में गिरीदार फलों का सेवन फायदेमंद होता है। इन्हें रात भर भिगोकर रखने और सुबह चाय या दूध के साथ खाने से आधा घंटा पहले लेने से बहुत लाभ होता है। अंकुरित अनाज जैसे मूंग, मोठ, चना आदि तथा भीगी हुई दालों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। अनाज को अंकुरित करने से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ जाती है। ये पचाने में आसान, पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। भोजन के साथ सलाद का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होना चाहिए, इसके लिए सलाद का सेवन बहुत जरूरी है। सलाद में आप ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, चुकंदर आदि को सलाद में शामिल कर सकते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से मौजूद नमक हमारे लिए पर्याप्त होता है। ऊपर से नमक डालने की कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी बताई हुई इन सभी चीजों को जरूर ध्यान में रखें और इनका भरपूर मात्रा में सेवन करें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।